हम अपने स्किन की केयर कर सकें। तो इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ही नॉर्मल है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपके फेस पे दाने ना निकले, आपकी स्किन अच्छी बनी रहे, तो फिर उसके लिए मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले आपको बहुत सारा, ढेर सारा पानी पीना है, जैसे मैं ये पीती हूँ, लेती हूँ। इस पानी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आपको ढेर सारा पानी पीना है, क्योंकि पानी की वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है। और गर्मी के टाइम में आप और ज़्यादा पानी पी सकते हैं, जिससे आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लो करेगी। और सेकंड थिंग है स्किन को टोन करना। ये है आयुर का स्किन टोनर, जिसे मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप कहीं से भी आते हैं रात के टाइम पे, सोने से पहले आप इससे अपना स्किन जो है इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको क्लीन करके बताती हूँ। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, और जैसे ही आप इसको लगाएंगे आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। और इसका सबसे अच्छी बात जो है कि ये आपका मेकअप रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। आपके स्किन टोन को क्लियर करता है ये। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। सोने से पहले जब आप कहीं से भी आते हैं, पूरा दिन आप बाहर रहते हैं, जब बाहर से आएंगे आप इससे अपनी स्किन क्लीन कर सकते हैं। कुछ दिन आप करेंगे, आपको फ़र्क महसूस होगा, आप खुद ही जान जाएंगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। देखिए, इससे मेरा पूरा लाइनर जो है वो हट गया है, ये पूरा मेकअप रिमूव कर देता है। आप देख ही सकते हैं कि मेरा ऑलमोस्ट पूरा मेकअप निकल गया है इसकी वजह से, और मुझे इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कॉटन, कि कॉटन में कितनी ज़्यादा गंदगी आई है, आप खुद ही जान जाएंगे कि कितना इफेक्टिव है। ये देखिए, और इसको फिर आप गले पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, नेक्स्ट थिंग इज एलोवेरा जेल। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ग्रीन जेल का एलोवेरा। और अगर आप चाहें तो आप जो नेचुरल एलोवेरा है वो यूज़ कर सकते हैं, और एक पतंजलि का भी आता है, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे वो उतना फ़ायदेमंद नहीं लगता जितना कि ये लगता है, या तो नेचुरल वाला या फिर ये वाला। अब हम इसको लगाते हैं। इससे स्किन को इतना आराम मिलेगा, ठंडा ठंडा रहिए, कि आप खुद ही जान जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी हैं। एलोवेरा जेल तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको दाने वाने हो रहे हैं आप स्किन को क्लीन करके एलोवेरा जेल लगा लीजिए। उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितनी क्लियर हो रही है, दाने क्लियर हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी अगर आप रेगुलरली इसे यूज़ करते हैं तो। ना ही इसमें आपका कोई ज़्यादा वक्त लगने वाला है, और
फायदेमंद तो ये है ही। ओके मैंने अप्लाई कर लिया है एलोवेरा जेल, इसको मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ सूखने के लिए। आप चाहें तो इसको सूखने के बाद धो सकते हैं या फिर चाहें तो सुबह तक रख सकते हैं, दोनों ही चीज़ों में दोनों ही तरीके से ये अच्छा रहेगा। दैट्स इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुछ और आप बताना चाहते हैं वो भी बताइए। और अगर आपको लगता है वीडियो शेयर करने लायक है तो आप इसे शेयर करिए। और दूसरी चीज़, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे और ग्लो करे तो आप ये तीन